कोरोना वायरस के संकट के बीच देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। चुनाव के कारण देश के कई हिस्सों में चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इसी बीच कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने 5 अक्टूबर को चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन करने के कारण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।